हैंडसम हंक टीवी एक्टर जैन इमाम, जो इन दिनों कलश टीवी के हाल ही में लॉन्च हुआ टीवी शो सुमन इंदौरी में नज़र आ रहे हैं, और इनके किरदार का नाम तीर्थ है, जो कि ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहा है। लेकिन क्या आप सभी फैन दिलचस्प बात जानते हैं? तीर्थ के किरदार के लिए टीवी एक्टर जैन इमाम शो के मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। उन्होंने इससे पहले टीवी के तीन पॉपुलर एक्टर्स को ये किरदार निभाने का अवसर दिया था, लेकिन उन तीनों एक्टर्स ने किसी न किसी कारणवश करने से मना कर दिया। तीसरे नंबर पर आते हैं पार्थसंथान। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि तीर्थ के किरदार के लिए सबसे पहले कॉल शो के मेकर्स ने पार्थसंथान को किया था, लेकिन पार्थसंथान ने यह कहते हुए शो के मेकर्स को मना कर दिया कि फिलहाल वो टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में वापसी करने का उनके पास कोई भी इरादा नहीं है। वो बॉलीवुड और फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं और उनके पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं। वहीं दूसरे नंबर पर कौन आता है दोस्तों? दूसरे नंबर पर आते हैं हैंडसम हंक टीवी एक्टर परम सिंह। जी हाँ दोस्तों, पार्थसंथान के मना करने के बाद परम सिंह से भी तीर्थ के किरदार के लिए कांटेक्ट किया गया था, लेकिन परम सिंह ने कहते हुए मना कर दिया कि फिलहाल वो अपने फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अपने फैमिली व्यस्तता के चलते वो इस टीवी शो को बिल्कुल भी करना नहीं चाहते और टेलीविज़न में अभी उनका वापसी करने का कोई भी इरादा नहीं है। नंबर वन पर कौन आता है? नंबर वन पर आते हैं दोस्तों शहजादा धामी। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता फेम टीवी एक्टर शहजादा धामी के पास भी तीर्थ का किरदार ऑफर गया था, लेकिन उन्हीं दिनों उनके पास गुल खान का के टीवी शो का भी ऑफर गया था, जिसके चलते उन्होंने गुल खान के टीवी शो के लिए हामी भर दी और तीर्थ के किरदार के लिए हामी नहीं भरी शो के मेकर्स को, जिसके चलते इनका भी नाम कट गया इस किरदार से। अंत में ये किरदार हाथ लगा जैन इमाम के हाथों, और जैन इमाम इन दिनों तीर्थ के किरदार में आप सभी दर्शकों के बीच में नजर आ रहे हैं। वेल, इनका किरदार किस तरह से फैंस को दीवाना बनाएगा ये आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर